हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट्री का द कीस स्टोरी। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर है, तो करेक्टर किसका है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का चरित्र चित्रण करना है, अनिल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आपको कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी में, उसको ध्यान से देखें। देखिए इसके जो मीनिंग है पहले ही लिख चुके हैं, आप इनको नोट करके याद कर सकते हैं। और देखिए इसका ट्रांसलेशन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। ही वॉज वेरी सिंपल, वह बहुत ज्यादा सिंपल था, साधारण था, एंड यंग मैन, और जवान व्यक्ति था। कौन? अनिल। अब कितने साल का था बताएंगे, ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल का था। देखिए यहाँ पर जो ओल्ड है उम्र को दिखा रहा है, कितने साल का, 25 साल का है। तो ये MCQ के लिए जो रेड कलर से दिखाई गई है MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 20 नंबर के एग्जाम में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए, ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल का था। ही वॉज टॉल, वह लंबा था, वह लंबा था, एंड लीन, और पतला था, वह लंबा और पतला था। ही इंटरेस्ट, ये सब्जेक्ट है। और देखिए वर्ब में अगर एस आ जाता है तो उसका मतलब निकलता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। ही इंटरेस्ट, वह रुचि दिखाता है या उसकी रुचि रहती है इन स्पोर्ट, खेलों के अंदर या स्पोर्ट के अंदर। लाइक जैसे, देखिए लाइक का मतलब क्या होता, पसंद करना होता वर्ब के रूप में, और कंजक्शन के रूप में होता है जैसे। तो वो स्पोर्ट को पसंद करता था इन, कौन सी वाली, रेसलिंग, इसको बोलेंगे रेसलिंग, रेसलिंग जो WWE होता, वो रेसलिंग को ये पसंद करता था स्पोर्ट के अंदर। कौन? अनिल। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है काइंड मैन, दयालु व्यक्ति। ये जो अनिल था ये दयालु व्यक्ति था। ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया हरी सिंह से नाइसली, अच्छी तरह। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट, उसने अच्छी तरह से हरी सिंह से व्यवहार किया था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था। कौन? अनिल। ही शोज, यह दिखाता है फुल ट्रस्ट, जो अनिल है यह फुल ट्रस्ट करता है इन हरी सिंह में, तो हरी सिंह पर पक्का विश्वास दिखाता है। कौन? अनिल। बट परंतु, ही सोज, बट परंतु ही किसके लिए आया, हरी सिंह के लिए आया है। ही सोज डेट मैक्स मनी, बट ये हरी सिंह से इंटरेस्ट दिखाता है किसमें, पैसे में, कि पैसे कैसे बनेगा या कैसे कमेगा या कैसा आएगा। ये कौन दिखाता है इस तरह का इंटरेस्ट, ये दिखाता हरी सिंह। नेक्स्ट है अनिल टीच, अनिल पढ़ाता है, अनिल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अनिल पढ़ाता है किसको, हरी सिंह को। हाउ, राइट एंड रीड, कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, कौन सिखा रहा है यहाँ पर, अनिल सिखा रहा है हरी सिंह को। तो ये सारी बातें ध्यान पर रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो भी नंबर आते हैं MCQ। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हिज जॉब, उसकी जो जॉब है वो कैसी है, किसकी, अनिल की। अनिल मेड मनी, अनिल पैसा कमाता है, बनाता है कैसे। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब या एडियम्स मुहावरा कह सकते हैं। तो वह अनियमित रूप से पैसा कमाता है, इसका मतलब ये है कि कभी वो पैसा ज्यादा कमा लेता है, कभी बिल्कुल नहीं कमाता है। तो अनियमित रूप से वो पैसा कमाता है। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये पूरा मुहावरा याद रखें। आगे है ही रोट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए ज्यादातर जो कहानी मिलती है पुरानी वो पास्ट के इंडेफिनिट में मिलती है। तो ही रोट, उसने लिखा फॉर मैगजीन, वो मैगजीन के लिए लिखता था, मतलब अखबारों के लिए कुछ लिखता था, आर्टिकल्स वगैरह। तो अर्न, कमाई करने के लिए, कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी जीविका को कमाने के लिए, मतलब जो लाइफ को स्पेंड करने के लिए खर्चा चाहिए वो कहाँ से आएगा, तो वो अर्न करता था मैगजीन में अपने आर्टिकल देखे। एज सुन एज जैसे ही गोट, सब्जेक्ट के बाद में गेट के सेकंड फॉर्म गोट, जैसे ही उसे गोट मिल गया, एक चेक मिल गया, तो ही वुड गो आउट, वह बाहर चला जाता था एंड सेलिब्रेट, मनाने के लिए विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ पार्टी। तो वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ पार्टी मनाना लगता था, तो वह दोस्तों के साथ पार्टी मनाने लगता था बाहर जाकर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। ये पूरे के पूरे करेक्टर का निचोड़ है। लास्ट वाली लाइन में क्या आता है, इसका रिजल्ट निकल के वो देखें। ही नोज, वह जानता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया एस। ही नोज, वह जानता है, कौन जानता है, अनिल जानता है, डेट की हरी सिंह रोब्ड, हरी सिंह ने लूट लिया है, हरी सिंह के बाद में सेकंड फॉर्म, हरी सिंह ने लूट लिया है, रोब्ड का मतलब लूट लेना। तो वह जानता है कि हरी सिंह ने लूट लिया है हिमू से, किसको, अनिल को। ऐसा होता है जो हरी सिंह है इसका पैसे चुरा कर भाग जाता है, बट ये भाग नहीं पाता है, पैसे चुरा कर जैसे जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ट्रेन में से नहीं चढ़ा जाता है,
क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है अच्छी तरीके से, तो वापस आनकर जहां से पैसा उठाता वहीं पर रख देता है। रॉब्ड लूट लिया, देखिए वो जानता है कि हरि सिंह ने उसको लूट लिया है, बट परंतु ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है, वह तय करता है, पहले ही तय कर लेता है कि टू फॉरगिव हिम, वह उसको माफ कर देगा, उसको माफ कर देगा। कौन तय कर लेता है? अनिल तय कर लेता है, ये पहले सोच लेता अपने दिमाग में, चलो हम इसको माफ कर देंगे। बट होता क्या है कि हरि सिंह ही आ जाता है उसके पास वापस में पैसा देने के लिए, वहीं पर रख देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको कुछ मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे कि यंग का मतलब जवान होता है, छोटा होता है, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होती है, लिंग पतला तो लंबा होता है, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना होती है, स्पोर्ट होता है खेल, और रेसलिंग आप जानते हैं रेसलिंग एक खेल का नाम है, ना इसलिए अच्छी तरह बिकॉज क्योंकि काइंड मैन दयालु व्यक्ति होता है। हाउ कैन से राइट लिखा जाता है, मतलब रेड, राइट का मतलब लिखना और रेड का मतलब पढ़ना होता है। ट्रस्ट सब जानते हैं, विश्वास होता है, हाँ ये ध्यान पर रखना। ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब होता है एक इलाज करना, और यहाँ पर ट्रीटेड किया रखा है, यहाँ पर वर्ब के रूप में है तो व्यवहार करना है, नाउन के रूप में होता है इसका मतलब इलाज, ट्रीट करना, ट्रीट करना। ओके आगे है जॉब, जॉब सब जानते हैं, अर्न होती है कमाई, अच्छा वर्ड है, ये मुहावरा जरूर याद रखें, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स एनी मित्र रूप से वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, और रोड होता लिखा या लिखना, लिखा हो जाएगा क्योंकि पास्ट में दिखाएगा, सेलिब्रेट होता मनाना, रोड होता लूट लेना, नोज होता जानना, ये नोज काफी आता है नो, और डिसाइड्स होता तय करना, निर्णय लेना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।